एक बार आप किरण हनुमान जी के दर्शन कर लो। यार रास्ता काफ़ी स्लिपरी है तो यार अभी मैं बिल्कुल रिज के पास पहुंचने ही वाला हूं, तो सोचा यहीं से शूट करना शुरू कर देता हूं। अभी मैं आपको ऐसी जगह ले जाता हूं जहां से पूरे और रिज का मैं अच्छे से शूट कर सकता हूं, तो वो दिखाते हैं आपको। यहां पे गोलगप्पे वाले भी है सामने। तो यार ये थी वो जगह जहाँ से आप पूरे शिमला का व्यू एक साथ ही ले सकते हैं। तो अभी चलते हैं रिज पे, अभी थोड़ा सा रिज पे शूट करेंगे। अभी मैं जो कैमरा है वो दूसरी तरफ शिफ्ट करने वाला हूँ और अब वही रहेगा पर्टिकुलर जो मेरा कैमरा रहेगा, बिकॉज अभी आपको चीज़ें दिखानी है यहाँ पे। सो लेट्स गो। तो यार शुरू करते हैं स्टेट लाइब्रेरी से। तो सबसे पहले रिज के ऊपर आपको मिलेगी स्टेट लाइब्रेरी, तो अगर आप थोड़े से पढ़ाकू टाइप के हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। तो इसी के बगल में अपना चर्च, यू कैन सी। तो ये था चर्च का व्यू, एंड बिल्कुल आपको थोड़ा दूर से भी दिखाऊंगा ताकि और मस्त लगे, बिकॉज़ ये यहाँ का जो सबसे मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन बोल सकते हो रिज के ऊपर, जो यहाँ पे चर्च बना है जिसके यहाँ होने से चार चांद लग जाते हैं शिमला की खूबसूरती पे। तो यहाँ से आप पूरा कंप्लीट व्यू ले सकते हैं चर्च का एंड स्टेट लाइब्रेरी, और उसी के साथ ये पूरा जो महात्मा गांधी का स्टैचू है और पूरा व्यू रिज के ऊपर का। एंड वहाँ ऊपर ये जगह है जहाँ से आप पूरे मॉल का सॉरी पूरे जो है रिज का व्यू ले सकते हैं। सामने है हमारे हनुमान जी जहाँ से मैं अभी आया हूँ। पूरा 30 मिनट का टाइम लगता है वैसे तो, बट मुझे थोड़ा ज़्यादा लग गया बिकॉज मेरा वो माइक वाला जो इशू आ गया था। सो ये सारी चीज़ें हैं, और इस तरफ आपको मिलेंगे लोग जो स्नो के साथ फ़ोटो खींच रहे हैं यहाँ पे। दूसरी तरफ आपको मिलेंगे यहाँ से भी काफ़ी अच्छा व्यू आता है, तो चलिए उसे देखते हैं सबसे पहले। और नीचे आप स्नो देख सकते हैं, एंड यहीं पे है बस स्टैंड जहाँ से मैं घर के लिए बसेस वगैरह लेता हूँ। ये अपना लकड़बाजार वाला बस स्टैंड है, एंड लोग वहाँ पे बर्फ़ के बीच में एंजॉय कर रहे हैं। तो यार अभी चलते हैं लकड़बाजार की ओर एंड देखते हैं वुडन से बनी हुई चीज़ें, अगर आप लेना चाहते हो बिल्कुल आप वहाँ से ले सकते हैं। और यहीं पे आपको हॉर्स राइडिंग करने को मिल जाएगी अगर आप करना चाहोगे, और यहाँ पे आपको स्ट्रीट फूड मिल जाएगा जैसे कि फास्ट फूड मैगी वगैरह हो गया। तो यहाँ पे आप वुडन से बनी हुई की रिंग्स ले सकते हैं एंड अदर थिंग्स ले सकते हैं। तो इस पूरी मार्केट में आपको वुडन से बनी हुई चीज़ें दिखेंगी, आप देख सकते हैं। तो यार ये है शिमला लक्कड़ बाज़ार, एंड यहाँ से अगर आप सीधा जाओगे तो आगे IGMC आएगा, और यहाँ पे आप वुडन से बनी चीज़ें खरीद सकते हो एंड पहाड़ी टोपी एंड शॉल वगैरह आप यहाँ से ले सकते हो। तो ये पूरा वुडन मार्केट है वैसे, यहाँ पे वुडन से बने हुए खिलौने एंड अदर थिंग्स आपको मिल जाएंगे। सो चलते हैं वापस। तो चलिए यार मैं आपके लिए यहाँ पे घुड़सवारी का पता कर लेता हूँ कि क्या प्राइस रहता है। भैया कितना लेते हो घुड़सवारी का? 100 रुपये, मतलब राउंड के हिसाब से या कितने राउंड? एक राउंड 100 रुपीज़ का। कहाँ से कहाँ तक का? हाँ ओके चलो थैंक यू।
जब मैंने अभी पूछा तो ये 100 रुपीज़ लेते हैं सिर्फ एक राउंड का, जाना कहाँ पे है, जैसे ये सामने फ्लैग दिख रहा है और लास्ट में जहाँ मैंने आपको की रिंग्स वाली शॉप दिखाई थी तो वहाँ तक ये राउंड लेंगे, तो काफ़ी कॉस्टली है वैसे मेरे लिए, तो पैसा वेस्ट है इस पर बिकॉज ऑब्वियसली मैं ये चीज़ हाँ तो यार मैं बता रहा था कि मेरे लिए तो ये घुड़सवारी वगैरह पैसा वेस्ट है बिकॉज ऑब्वियसली मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में, एंड आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहो तो, और मैंने तो यार कॉलेज टाइम में भी नहीं किया तो अब तो क्या ही करूँगा, है ना। तो चलो आगे यार थोड़ा सा बातें करते हैं एंड शूट करते हैं अब मॉल रोड को। तो यार आप ये बिल्डिंग्स वगैरह देख सकते हो, वैसे ये गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह हैं, अभी मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता लेकिन आप इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है फोटोग्राफी के लिए, काफ़ी अच्छी लोकेशन देता है ये, एंड इस तरफ भी है ये वाला, तो खैर यहाँ का जो ड्रामेटिक क्लब है शिमला का वो है। तो ये थी गाइस यहाँ की लोकेशन, अब चलते हैं आगे। तो यार ये इज अपना स्कैंडल पॉइंट जो कि अपना एक लैंडमार्क रहता था कॉलेज टाइम में, जब भी हम कॉलेज से एग्जाम देके आते थे घूमते थे यहाँ पे, अगर कोई नन्ना मुन्ना राई खो जाता है, मतलब कोई भी फ्रेंड अपना खो जाता था, तो ये अपना लैंडमार्क रहता था कि आपको बस स्कैंडल पॉइंट पे मिलना है, और टाइम बता देते थे तो सारे लोग हम यहीं पे इकट्ठे हो जाते थे एंड देन अपने अपने घर जाते थे, एंड एग्ज़ाम के लिए जब आते थे तो तब भी यहीं पर मिला करते थे। और ये स्कैंडल पॉइंट वैसे कनेक्टर भी है मॉल और रिज के बीच में, तो यहाँ से मॉल भी कनेक्ट हो जाता है और रिज भी। तो ये है अपना मॉल रोड, यहाँ पे काफ़ी लंबी स्ट्रीट है, ये वॉकिंग स्ट्रीट है, आपको यहाँ पे गाड़ी वगैरह नहीं मिलेंगी, ऑब्वियसली ये पब्लिक के चलने के लिए हैं, और डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स की शॉप्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, जैसे यहाँ पे वुडलैंड है और यूनिकेड एंड आगे और भी बहुत सारी ब्रांड शॉप्स हैं यहाँ पे। तो आप जब यहाँ पे आओगे तो आप बिल्कुल शॉपिंग्स वगैरह कर सकते हो। तो ये यहाँ पे आप पेंटिंग देख सकते हो जो काफ़ी ट्रेडिशनल है। और इस साइड पड़ता है अपना हाई कोर्ट एंड BCS पंताघाटी जहाँ से मैं अभी आया हूँ। एंड सामने है जशन, यहाँ पे एक दो बार गया हूँ मैं एंड आप ट्राई कर सकते हो यहाँ पे। सो चलते हैं आगे, सामने है ऑक्टेव एंड यहाँ से अगर आप शॉट लेते हो तो सीधा आप रीज पे पहुँचोगे। एंड सामने है झांसी पार्क और बाकी आप ब्रांड शॉप तो यहाँ पे देख ही रहे हो। तो ये है शेरे पंजाब और यहीं से ये कनेक्ट करता है लोअर बाज़ार को। तो अभी तो चलते हैं आगे थोड़ा बिकॉज सुबह मैंने शूट तो किया था, लिफ्ट से होकर आया था मैं, बट वो जो वीडियो क्लिप था वो ख़राब हो गया था, उसमें कुछ बज सा साउंड आ रहा था जो मैंने बताया आपको वीडियो में, तो अभी दोबारा जाएंगे एंड दोबारा वहाँ से शूट करेंगे।
बिकॉज ऑब्वियसली पूरा मॉल ना दिखाऊं तो ऐसा कैसे चलेगा, राइट? सो चलिए दोबारा देखते हैं। तो जब भी आप लिफ्ट से होकर आओगे तो आप इस प्लेस पे आओगे और ये है अपना इंदिरा गांधी खेल राज्य परिसर, एंड यहाँ से चलेंगे हम वापस। तो ये था शिमला मॉल रोड, एंड जैसे मैंने रिज का व्यू भी आपको दिखाया, एंड अगेन हम पहुँच चुके हैं शेर ए पंजाब के पास। ये भी एक प्रकार से लैंडमार्क है यहाँ का। यहाँ से जैसे लोअर बाजार शुरू हो जाता है, नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो मे बी मैं यहीं पे शूट करूँ, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ यहाँ से। तो ये सीधा रोड जाता है, तो लोअर बाज़ार का एक सेपरेट वीडियो रहेगा, वो मैं अलग से बनाऊंगा, बिकॉज पब्लिक के बीच में जैसे शूट करना था तो वो मैं डेफिनेटली करूंगा, नेक्स्ट शायद वही रहेगा। एंड आज बस मॉल एंड रिज और कालीबाड़ी टेम्पल और अपना जाखू टेम्पल, वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी, वो सारी चीज़ें घूमनी थी। सो ऑलमोस्ट हमने हाफ कवर कर लिया है, एंड पूरा मॉल रोड भी कवर कर लिया है। मिस्टर अलोन वॉकर, अलोन वॉकर, तो यार ये कुछ लोग मिले, एंड मैंने कहा था ना कि जब आप अपना कोई काम शुरू करते हो तो पहले मैं कैमरा शिफ्ट कर लेता हूँ अपना। हाँ तो यार मैं कह रहा था कि जब आप कोई भी अपना काम शुरू करते हो ना, अगर आप पूरी निष्ठा से काम करते हो तो डेफिनेटली लोग भी थोड़े से जिज्ञासु होते क्या कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली व्लॉगिंग वगैरह भी काफ़ी फेमस हो चुकी है इंडिया में भी, तो सारे लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी यार, तो इन्हीं प्यारे प्यारे लोगों के साथ करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। तो यार मैं आपको बताना भूल गया, एक्चुअली स्कैंडल पॉइंट से ही कालीबाड़ी के लिए भी रास्ता कटता है, तो बिल्कुल आप। तो यार अब शूट करते हैं बिना मास्क के थोड़ा बहुत, बिकॉज डायरेक्टली मेरी ये वीडियोस देख रहे होंगे।